कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कंज्यूमर्स राइट टू चूज। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण राइट है जो कंज्यूमर्स को मिला है और संयोग से ऑटोमेटिकली हर कंज्यूमर को प्लेंटी ऑफ चॉइस अवेलेबल है। आज चर्चा करेंगे उन सारी चीजों की जो आज हमारे देश में उपभोक्ता को उपलब्ध है। आज हमारे देश में मार्केट में अपरंपार संभावनाएं हैं कंज्यूमर्स के लिए। मॉल्स खुल गए हैं, आपको अपनी पसंद की चीज ब्रांडेड मिलती है, आपके लिए विदेशों से भी प्लेयर्स आ गए हैं। इवन फूड चेन्स में भी आपको मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, KFC सब तरह की चीजें आपके पास मार्केट में उपलब्ध हैं। और दूसरी बात, आपके घर से कुछ माइल्स पर शॉपिंग सेंटर भी अनिवार्य हैं। ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा है, अर्बन प्लानिंग या रूरल प्लानिंग। इन प्लानिंग्स के तहत ये भी देखा जाता है कि जहां पर भी रेजिडेंशियल कॉलोनी है उसके थोड़े डिस्टेंस पे उनको शॉपिंग सेंटर भी मिले। ये सारी सुविधाएं आपको आज के दिन में मिल रही हैं। यही नहीं, 2000 में इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट के आने से आप तो घर में बैठकर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग का जो बाजार आपको उपलब्ध है, ये कभी भी कल्पना नहीं की थी कि भारत में इस तरह की व्यवस्था हो सकेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो आप कहीं भी डिप्राइव नहीं है, आपको हर चीज की सुविधा मिली है। अब प्रश्न ये है कि आप ये सोचिए कि ये एक तो मार्केट का अपना इंटरेस्ट है कि उनको आपको सामान बेचना है, दूसरा इंटरेस्ट सरकार का भी है और दूसरा इनिशिएटिव सरकार का भी है कि वो इतने सारे मॉल्स का के लिए लाइसेंस दे, शॉपिंग सेंटर्स बनाए और जगह जगह पर आपकी सुविधा के लिए आपके नियरेस्ट पॉइंट पे आपको जाने की सुविधा मिले। आपको चॉइस है, यू हैव राइट टू चूज कि आप मार्केट में जाके लें, किंतु ये राइट टू चूज आपको मिलेगा कैसे? यदि आपका घर 10 मील दूर पर है और आपको इतनी दूर मार्केट में जाना पड़ता तो वो राइट टू चूज नहीं है। तो दिस राइट टू चूज इज प्रोवाइडेड टू यू बाय द गवर्नमेंट, बाय इट्स प्लानिंग, बाय इट्स सिस्टम कि आपको किस किस तरह से चीजें उपलब्ध हों। इवन फॉरेन प्लेयर्स भी हैं, वो ऐसे नहीं आ सकते, उसके लिए भी प्रोसीजर होता है, वो उस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, कुछ लाइसेंसेस होते हैं, कुछ परमिशंस होती हैं, कुछ अप्रूवल्स होते हैं। ये सारे चीज सरकार के काम है जो सरकार आपके लिए कर रही है। तो यू हैव अ राइट टू चूज, बट दिस राइट टू चूज इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, हमें राइट टू चूज मिल गया, किंतु हाउ टू सस्टेन इट? अब अपने राइट टू चूज को आप मेंटेन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की जरूरत है। देखिए, 2000 में इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट किस लिए लाया गया? वो इसलिए लाया गया कि आप ऑनलाइन बैठकर कॉन्ट्रैक्ट कर सके बिना सिग्नेचर के। अगर आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से कहीं कम्युनिकेशन जाता तो दैट विल बी कंसिडर्ड अ वैलिड कम्युनिकेशन। इसी सिलसिले में अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और जितने भी प्लेयर्स आए हैं हमारे देश में, इन सब ने जो आपको प्लेटफॉर्म दिया है वो भी आपको राइट टू चूज के अंडर दिया है, किंतु परमिशंस गवर्नमेंट की है और एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके ही ये प्लेयर्स आपके देश में आ सके हैं। तो यू हैव गॉट अ प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज नाउ, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, एंड आपका ये हक सबसे टॉप पे जा रहा है। किंतु इसको सस्टेन कैसे करेंगे? इसको सस्टेन करने के लिए भी प्रोविजंस हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। इवन ई कॉमर्स में, इवन ऑनलाइन शॉपिंग करने पर भी आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर किसी भी तरह की डेफिशिएंसी के लिए या किसी तरह की गुड्स में डिफेक्ट के लिए कंज्यूमर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। ये आपको उसको सस्टेन करने की, आपके राइट टू चूज को बरकरार रखने के लिए ये उपाय है। कंपटीशन कमीशन 2002 में बनाया, जो MRTP कमीशन को रिपील करके बनाया गया था, कि कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आपके हक को न दबा सके, चीज़ों को जमा ना कर सके, स्टोर ना कर सके और कंपटीशन में कोई भी हर्डल पैदा ना कर सके, ताकि
आपको चीज़ें सुविधा से मिल सकें और आप बड़े ही इत्मीनान से कंट्रोल्ड प्राइस पे चीज़ें प्राप्त कर सकें। यही नहीं, सरकार की तरफ से और बहुत सारे ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स भी हैं जो आपको चीज़ों को चिन्हित करके भी बताएंगे। जैसे कुछ मार्क्स हैं, उन मार्क्स से आप आश्वस्त हो सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ें जो हैं अच्छे स्टैंडर्ड की हैं, वेल टेस्टेड हैं और गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं। अगर आप लोकल मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हैं तो देयर कैन बी ए डाउट कि कोई चीज़ आपकी ठीक निकले ना निकले, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर स्टैंडर्डाइज। वो स्टैंडर्डाइज होने से आपको ये आश्वासन देती हैं कि ये चीज़ें यदि आप खरीदेंगे दे आर वेल टेस्टेड, लाइक ISI मार्क, हॉल मार्क, एग मार्क, आपका वुल मार्क, सिल्क मार्क, इको मार्क। ये सारे जितने मार्क्स हैं, मैं आपको इसकी अलग से स्लाइड्स दिखाऊंगी। कि कौन कौन सी चीजें आपको चिन्हित मिलती हैं जिससे आप आश्वस्त होकर मार्केट में खरीद सकते हैं, और अगर उसमें भी कोई डेफिशिएंसी पाई जाती है, यू गट ऑल द राइट टू कॉन्टैक्ट ऑल रेडरेसल एजेंसीज इंक्लूडिंग कंज्यूमर कोर्ट और मेनी अदर ट्रैवलर्स। तो फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली नो चांस ऑफ स्नैचिंग योर दिस राइट, राइट टू चूज। यू आर अ किंग इन द मार्केट, आपको चूज करने का पूरा अधिकार है और पूरी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग टिल मॉल्स की शॉपिंग या शोरूम में शॉपिंग या एनीवेयर। सो फ्रेंड्स, आप आश्वस्त रहिए, हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए शो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।